हमारे पास धन कमाने के दो जरिए हैं, या तो हम व्यापार करें या नौकरी, व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, यहाँ सीमित धन मिलता है, कुछ बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, लेकिन हाँ आपका व्यापार अच्छा चल रहा हो तो आपके पास अपार धन आ सकता है। लेकिन अचानक धन चाहिए आपको और बेशुमार मात्रा में चाहिए, अधिक मात्रा में चाहिए, तो उसके लिए तो आपको कुछ ऐसे ट्रिक अजमानी पड़ती हैं, जैसे कि शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, लॉटरी है, जुआ है, सट्टा है, ये आपको अचानक धन दिलाते हैं। अचानक धन दिलाने के लिए आपकी कुंडली का राहु ग्रह का मजबूत होना जरूरी है। अगर ये ग्रह कमजोर होता है तो आप पैसा लगाते जाते हैं और फंसता चला जाता है। इसके साथ में मंगल का भी मजबूत होना जरूरी है। आज आपको एक ऐसा दिव्य उपाय देने जा रही हूँ, अगर आपको लॉटरी में, सट्टे में, जुए में या शेयर मार्केट में आप पैसा लगा रहे हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ से आपको बड़ा धन मिले, तो उसके लिए आप ये प्रयास करेंगे। इस प्रयास को करने से, इस उपाय को करने से यकीनन आपके भाग्य का वो धन, अगर आपके भाग्य में है तो भाग्य का साथ मिलेगा, साथ में धन भी बेशुमार मात्रा में आपके पास आना शुरू हो जाएगा। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी यशोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार आप मेरे वीडियो पर आए हैं और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो आपको मिलते रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपको मेरा चैनल ढूंढना ना पड़े। दोस्तों, जब भी आपके कुंडली में आपका धन भाव आपका मजबूत हो, लग्नेश आपके मजबूत हो और साथ में आपका लाभ भाव मजबूत हो और उस पर राहु की दृष्टि हो, ऐसे व्यक्तियों को अचानक से धन की प्राप्ति होती है। या अष्टम में आपका केतु बैठा हो, अचानक से धन दिलाना शुरू कर देता है ये यहाँ बैठे हुए केतु और राहु। अगर आपकी कुंडली में ये योग नहीं है या कमजोर अवस्था में है, तो इन्हें कैसे बलि कर सकते हैं? क्योंकि आपको नौकरी और व्यवसाय से तो उतना ही धन मिल सकता है जितनी कि आपकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। कुछ उंगली टेढ़ी करते हैं तभी आपके पास धन आगमन की स्थितियाँ बनती हैं। तो जैसे आजकल के प्रचलन में शेयर मार्केट बड़े जोरों पर है, शेयर मार्केट में पैसा लगाने से आपको डेली की इनकम तो आपकी बढ़ती है, अचानक से आपके शेयर ऊपर गए और आपको अधिक से अधिक लाभ हो जाता है। इसी तरह से जुआ, सट्टा, लॉटरी अचानक से धन दिलाने वाले और आप भी चाहते हैं इनसे पैसा कमाना, तो इसके लिए सबसे पहले अपनी कुंडली के राहु को अच्छा कीजिए, क्योंकि एकमात्र ग्रह राहु और केतु, यही दो ऐसे ग्रह हैं जो आपको अचानक बड़ी मात्रा में इन सब क्षेत्रों से धन दिलाते हैं, क्योंकि इसमें आपकी मेहनत नहीं लगती है, इसमें लगता है आपका भाग्य और आपका लाभ भाव। ये आपके मजबूत होंगे तो आपने भी बहुत बार महसूस किया होगा कि आपका पैसा लगाते ही आपके पैसे डबल हो जाते हैं, चाहे आप शेयर मार्केट लगा रहे हो, कहीं और लगा रहे हैं, पैसा डबल होने लगता है। तो अपने राहु को ठीक करना है तो सबसे पहले अपने ससुराल से संबंध अच्छे रखिए। ससुराल में आपका संबंध अच्छा होगा तभी आपको शेयर मार्केट से फायदा मिलेगा। इसके साथ ससुराल कहने का मतलब है महिलाएं लगा रही हैं तो उनका अपने पति के माता पिता और से संबंध अच्छे होने चाहिए, और अगर आपके पति लगा रहे हैं तो उनका अपने पत्नी के, वाइफ के मायके से संबंध अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा आपको समय समय पर गरीब अपाहिजों की आप मदद करते रहते हैं, भोजन देते हैं, वस्त्र देते हैं, या उनके लिए आप फल फ्रूट्स या दवाइयों की व्यवस्था कर देते हैं, कुष्ठ आश्रम में जाकर आप दान करते हैं, तो यहाँ भी आपके लिए धन आगमन के मार्ग बढ़ जाते हैं। इसी तरह से गरीब व्यक्तियों को आप भोजन की व्यवस्था करते रहते हैं शनिवार शनिवार, तो ये भी आपके लाभ के रास्ते को खोल देते हैं। इसी कड़ी में आपको महत्वपूर्ण उपाय तो दूंगी, साथ में कुछ छोटे छोटे टिप्स दे रही हूँ। अधिक मात्रा में आप इन क्षेत्रों में से जुड़े हुए हैं और चाहते हैं धन लाभ, तो मंगलवार की मंगलवार, आप महीने के दो मंगलवार, चार मंगलवार, लाल मसूर की धुली हुई दाल, लाल मसूर की धुली हुई दाल 600 ग्राम की मात्रा में स्वीपर, जिसको सफाई कर्मचारी बोलते हैं, देना शुरू कीजिए। इससे आपके इस सट्टे और लॉटरी से पैसा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी कड़ी में दोस्तों,
आपको शनिवार वाले दिन चाय की पत्ती अगर आप स्वीपर को देते हैं तो ये भी आपके राहु ग्रह को अच्छा करना शुरू करता है। इसके साथ राहु का बीज मंत्र ओम रांग रहबे नमा, ओम रांग रहबे नमा, इसका आप जाप डेली करें एक माला, चलते फिरते उठते बैठते या अपने जहां वर्क स्थल पर बैठे हैं वहां भी आप इसका जाप कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अपनी सफाई रखिए, अपने जहां बैठ रहे हैं उस स्थान की सफाई रखिए और साथ में अपने घर की भी सफाई रखिए, तभी राहु आपका अच्छा होगा। अब यहाँ उपाय के तौर पर बताती हूँ, आपको लेना है एक चंदन का, सफ़ेद चंदन का टुकड़ा, सफ़ेद चंदन का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, साथ में लाइट ब्लू कलर का आपको लेना है, नीला कलर जिसको बोलते हैं, लाइट नीले कलर का आपको रेशमी कपड़ा लेना है, चमकदार रेशमी जिसको बोलते हैं साटन जैसा कपड़ा, रेशमी कपड़ा, एक छोटा सा कपड़ा ले लीजिए, इसके अंदर ये चंदन का टुकड़ा रख दीजिए। इस चंदन के टुकड़े पर आप इसी चंदन को घिसकर थोड़ा सा, आप इस चंदन का टुकड़ा थोड़ा बड़ा लीजिए, इस पर लिख दीजिए रा, बड़ा आ, रा लग, आपने रा लिखा हिंदी में, डंडा लगाया और अंकी बिंदी रा, इस तरह से लिखकर इस कपड़े में बांधकर आप इसको अपनी ऊपर वाली पॉकेट में रखिए और हमेशा साथ रखिए और साथ में राहु के बीज मंत्र का जाप कीजिए और फिर अपने लिए ये पैसा लगाइए। विशेष रूप से जब भी आप पैसा लगाने जा रहे हैं, विशेष रूप से शेयर मार्केट में, तो शुक्र की होरा में लगाइए। शुक्र की होरा के लिए आपको पंचांग देखना पड़ेगा किस समय पड़ रही है, जिस दिन आप पैसा लगा रहे हैं उस समय शुक्र की होरा किस समय पड़ रही है, उस समय आप अपना पैसा लगाते हैं, यकीन मानिए वो डबल और ट्रिपल होकर आपके पास आता है। तो अगर आप ये सारे उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में करते जाते हैं तभी आपको लाभ मिलता है, और आप इनके साथ में श्रद्धा नहीं लगाते हैं और सिर्फ फौरी तौर पर करना शुरू करते हैं तो इनसे कोई लाभ आपको नहीं मिलता है। राहु के बीज मंत्र का जाप करना है, राहु से संबंधित किसी भी व्यक्ति को आपको सताना नहीं है, तो ये राहु आपको करोड़पति से करोड़पति बनाने की क्षमता रखता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इसके साथ ही कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर है 8077506510, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं, नॉर्मल कॉल यानी मोबाइल कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया कुंडली विश्लेषण की, क्योंकि ये पेड सर्विस है तो यहाँ आप किस तरह से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलूंगी किसी ऐसे महत्वपूर्ण विषय के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।